नमस्कार, टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। छत्तीसगढ़ चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश के बाबा यानी टीएस सिंहदेव को अब उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। राज्य कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में कांग्रेस ने सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाल रहे थे सिंहदेव। उप मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद क्या कहा बाबा ने, आपको पहले वो सुनाते हैं, फिर बताएंगे आगे की कहानी। एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला। हाईकमान ने जब भी जो जिम्मेदारी ली उसको निभाने की कोशिश की है। अपनी सीमित क्षमताओं के आधार पर आगे भी जिम्मेदारी तो एक दिन के लिए भी बहुत बड़ी है, एक दिन की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और ये तो सतत जिम्मेदारी की क्रिया रहेगी। टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बधाई दी है एक ट्वीट के जरिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट में लिखते हैं, है तैयार हम महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। अब सवाल ये उठ रहा है कि तैयार तो हैं, लेकिन कितने? चुनाव के ठीक पहले टीएस सिंहदेव को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर क्या कांग्रेस पार्टी ने गुटबाजी और नाराजगी खत्म कर दी है? आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंहदेव पार्टी से नाराज चल रहे थे। हाल ही में सिंहदेव के बीजेपी में शामिल होने की भी चर्चा थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने को लेकर सिंहदेव ने साफ कर दिया था कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। उससे पहले बाबा का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो 2023 विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको बता दें, 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जब सत्ता में कांग्रेस आई थी तब मुख्यमंत्री पद के नाम पर पीच जरा फंसा हुआ था। 90 में से 68 सीटें कांग्रेस के पाले में थी। फिर मुख्यमंत्री चुनने के लिए पार्टी ने एक नए फॉर्मूले का अपनाया। मुख्यमंत्री पद के 4 अहम चेहरे सामने आए जिनमें से वो नाम थे भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरण दास महंत। बंद कमरे में राहुल गांधी ने चारों के साथ बैठक की, यानी राहुल गांधी, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू और चरण दास महंत के साथ एक बैठक हुई थी जिसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर भूपेश बघेल का नाम तय किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री पद के 2 अहम चेहरे फिर से सामने आने लगे। पहला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दूसरा नाम था राज्य के बाबा यानी टीएस सिंहदेव। पीच फंसने के बाद कांग्रेस ने 2.5-2.5 साल की रणनीति अपनाई। मतलब ये तय हुआ मीटिंग में कि 2.5 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, फिर 2.5 साल मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी से फिर भी दूर थे। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। 2.5 साल बीत जाने के बाद भी टीएस सिंहदेव केवल स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय के ही मंत्री बने रहे। लेकिन राज्य में सियासी हलचल तब हुई जब 16-10-2022 को सिंहदेव ने पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि सिंहदेव पार्टी से नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में सरगुजा संभाग में कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान टीएस सिंहदेव के समर्थकों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी। मंच पर 2.5-2.5 साल के मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया गया था। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा था कि कई राजनीतिक दलों ने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के दिग्गज भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सिंहदेव ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में आपसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए महज 4-5 महीने पहले टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। फिर रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इस दौरान भी सिंहदेव ने का एक बयान सामने आया। इस दौरान भी सिंहदेव ने कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूं। सिंहदेव के इस बयान के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कांग्रेस में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर भाजपा नेताओं ने भी निशाना साधा। अब कांग्रेस में हुए इस बड़े बदलाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री यानी रमन सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए लिखा कि डूबने लगी कश्ती तो कप्तान ने कुछ यूं किया, सौंप दी पतवार आधी दूसरे के हाथ में, बाकी 4 महीने के लिए महाराज को बधाई। ये ट्वीट था रमन सिंह का। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की बात करें तो वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, ये अधिकार है मुख्यमंत्री और राज्यपाल को। कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उससे निपटने का ये प्रयास हुआ है। भाजपा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा,
ये बयान था राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, कांग्रेस पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस TS सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि TS सिंहदेव जी का ये अपमान है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग TS सिंहदेव का गढ़ माना जाता है। सरगुजा संभाग की अंबिकापुर विधानसभा सीट से TS सिंहदेव लगातार 3 बार विधायक हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया में TS सिंहदेव का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि 2018 में हमने सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर कांग्रेस की जीत पर अभी संशय है। TS सिंहदेव ने कांग्रेस की जीत पर भी सवाल उठाया था। 2.5 साल के कांग्रेस फॉर्मूले को लेकर TS सिंहदेव कई बार अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अब चुनावी साल है, 4-5 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि महज 4 से 5 महीने पहले सिंहदेव को डिप्टी CM बनने पर राज्य में कांग्रेस की अंतर्कलह खत्म होगी या फिर वैसे ही रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।